और मैं कतना ही गया। हाँ ये बात है। स्टैक लेंगे, लक्की सामना करेंगे सोमेश का। यहाँ पर आगे बॉल डाली और सामने की दिशा में खेल दिया, सीधा फील्डर बाहर का था, ग्राउंड के अंदर नहीं था। 6 रन, पहला छक्का पहली बॉल पर, सोमदेव की बॉल पर, लक्की यहाँ पर पूरे मूड पर। सामना करेंगे अगली बॉल का, इस ओवर की दूसरी बॉल। आगे बढ़कर मारना चाहा लेकिन बाहर की दिशा में खेला यहाँ पर दोनों फील्डर, बॉल के पीछे, एक आगे एक पीछे, दौड़कर 2 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर पता नहीं है। सोमदेव की अगली बॉल, सामना करेंगे लक्की। स्लोर बॉल थी, बाहर फेंका, खींच के मारना चाहा पर बीट हुए और इसी के साथ एम्पायर का इशारा नो बॉल। सोमदेव बोल रहे हैं कि भैया लाइन के पीछे से फेंकी है, कसम खा लूं मम्मी की। पर सुमित सरकार भी कसम खा सकते हैं। यहाँ पर दोनों एम्पायर और बॉलर ने कसम खा ली और तीसरे एम्पायर विट्ठल जी, उनका इशारा नो बॉल। 105 रन का स्कोर, चेस करने उतरी है विट्ठल जी 11 की टीम। अगली बॉल सोमदेव की लेग दिशा में थी, अगर छोड़ते तो 1 रन वैसे भी आ जाता, पर ये है कि लक्की के गाने में थोड़ा चीटा है। उसको छेड़ा गेंद को छेड़ा और हाथ पर लगी। योर कट बॉल और यहाँ पर बोल्ड कर दिया सीधा अगले बल्लेबाज, साजन चले ससुराल। मैंने बोला ना बॉल और धर्मवीर को, तो धर्मवीर पहली बॉल पर आउट हुए सोमदेव की बॉल पर। दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी, बॉलर और बैट्समैन, देखना पड़ेगा क्या करते हैं। पहली बॉल पर साजन अपने ही बॉलर हैं, खूब देखा है उनकी बॉलों को खेल कर। ये खत्म, ये खत्म, मैंने बोला ना खत्म।